बल्लारपुर, जो गोंड वंश की अपनी ऐतिहासिक धरोहर और यादों को अपने सीने में समोए पूरे गर्व के साथ खड़ा हुआ है। ये सच है कि शहर में खनिज और कुछ उद्योग बहुत पहले से रहे, लेकिन फिर भी विकास का सूरज अपनी किरणों को इस धरती पर बिखेर न पाया। सरकारें आई, सरकारें गई, जनप्रतिनिधि चुनकर आते रहे, जाते रहे, लेकिन ये बादल छंटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 1995, हवा बदल रही थी, फिजा में रंग घुल रहे थे, बादल छंटने लगे थे, विकास की किरण बल्लारशाह की धरती पर उतरने को बेताब थी। और ऐसा ही हुआ। चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही थी, तभी एक उम्मीदवार ने हुकार भरी, यदि मैं चुनकर आता हूं और मेरे कार्यकाल में बल्लारशाह तहसील नहीं बना तो फिर वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कोई और नहीं, सुधीर मुनगंटीवार थे। अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करते हुए 1999 में बल्लारपुर तालुका का निर्माण पूर्ण किया। बस फिर क्या था, विकास के रथ को पंख लग चुके थे। वो शहर जो अपने विकास की राह देखता देखता थक चुका था, अब पूरे वेग से प्रगति के मुख्य प्रवाह में शामिल हो चुका था। और यही वजह रही कि एक, दो या तीन नहीं, बल्कि पूरे 6 टर्म, 6 कार्यकाल में श्री सुधीर भाऊ भारी मतों से विजयी होकर विधानसभा में जाते रहे। और श्री सुधीर भाऊ ने इसको आशीर्वाद स्वरूप मानते हुए इसे लोक कल्याण से जोड़कर इसका प्रत्युत्तर दिया और शहर की नई पहचान पूरे प्रदेश में दिलवाई। वित्त मंत्री रहते हुए श्री सुधीर भाऊ ने बल्लारपुर शहर का चेहरा ही बदल दिया। एक सिरे से जो कार्य शुरू हुए तो बढ़ते ही चले गए। नया उपविभागीय कार्यालय का निर्माण, नए तहसील कार्यालय का निर्माण, पंचायत समिति की इमारत का निर्माण, विश्राम गृह का निर्माण, डायमंड कटिंग का प्रशिक्षण केंद्र, आधुनिक सुविधाओं सहित नाट्य गृह, बस स्टैंड जिसे देखकर बरबस आपको एयरपोर्ट की याद आती है, शहर के 2 शाही प्रवेश द्वार जो सभी का ध्यान आकृष्ट करते हैं, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, बल्लारपुर के उत्तर भारतीय नागरिकों की आस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष छठ पूजा घाट बनाया गया। वो रास्ते जिनकी सुध कभी नहीं ली गई, उन्हें सीमेंट कंक्रीट के मार्ग से तैयार कर दिया गया। श्री सुधीर भाऊ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाचनालय लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, अति आधुनिक सब्जी बाजार का निर्माण करवाया,
ई लाइब्रेरी की शुरुआत की। अत्यंत सुंदर चार बगीचे, साथ ही जिस पर पूरा भारत गर्व कर सके, ऐसी अत्याधुनिक सैनिक स्कूल का स्वप्न साकार किया। और साथ ही साथ क्रीड़ा के क्षेत्र में, यानी देश को अच्छे और प्रतिभाशाली खिलाड़ी मिल सकें, स्थानीय प्रतिभाओं को उचित अवसर मिल सके, इसलिए सभी सुविधाओं से सुसज्जित एक क्रीड़ा संकुल यानी स्पोर्ट्स जोन का निर्माण किया। और इसलिए इस जिले के विकास में भी बॉटनिकल गार्डन हो, सैनिक स्कूल हो, वन अकादमी हो, मेडिकल कॉलेज हो, कैंसर हॉस्पिटल हो, स्किल यूनिवर्सिटी हो, 15 के 15 तहसील में अभ्यासिका हो, अब बहुत बढ़िया जिम हो, कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, कहीं डायमंड कटिंग सेंटर का प्रशिक्षण हो, कहीं ITI अत्याधुनिक करने का काम हो, कहीं अगरबत्ती बनाने का उद्योग हो, कहीं टूथपिक बनाने का उद्योग हो, कहीं पे कुक्कुट पालन हो, कहीं पे दुग्ध निर्माण का काम हो, कहीं पे कृषि महाविद्यालय निर्माण करने का काम हो, कहीं पे पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से आधुनिक तंत्र ज्ञान को विकसित करने का काम हो, नए मार्केट बनाते हुए बचत गट को प्रोत्साहन देने का काम हो, चंद्रपुर जिला देश के उन्नति में आगे रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा। भाजपा का कार्यकर्ता इस देश को आगे बढ़ाते समय इस जिले को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। और इस तरह से विकास का सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता गया और आज भी सतत जुटा हुआ है। ये वही उम्मीदवार जिसने शब्द दिए थे, जिसने वादा किया था अपने विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से, आज वो सभी शब्द वास्तविकता में, हकीकत में साकार हो गए हैं। सच तो यह है कि आधुनिक और विकसित शहर बल्लारपुर का यदि कोई शिल्पकार है तो वो कोई और नहीं, लोकप्रिय विधायक श्री सुधीर मुनगंटीवार जी हैं।